उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। ढ अढ़ उत्क्षिप्त व्यंजन है। उत्क्षिप्त शब्द का अर्थ उठाकर फेंका हुआ होता है। अर्ध स्वर व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय उच्चारण अवयव वायु को रोकने के लिए ऊपर उठता है परंतु वायु उसका स्पर्श नहीं कर पाती, ऐसे व्यंजन अर्ध स्वर व्यंजन कहलाते हैं। य व अर्ध स्वर व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन, व्यंजन और व्यंजन के मेल से संयुक्त व्यंजन बनते हैं, उन्हें संयुक्ताक्षर भी कहते हैं। ये दो प्रकार से बनते हैं। दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बने संयुक्ताक्षरों के रूप बदल जाते हैं, जैसे व्यंजन जमा व्यंजन, संयुक्त व्यंजन शब्द, क जमा श क्ष, रक्षा साक्षी, ज जमा ञ ज्ञ, ज्ञाता यज्ञ, त जमा र त्र, पत्र त्रिमूर्ति, श जमा र श्र, परिश्रम श्रम। दो भिन्न व्यंजनों से बने संयुक्त व्यंजन, व्यंजन जमा व्यंजन, संयुक्त व्यंजन शब्द, क जमा ल क्ल क्लेश, ग जमा य ज्ञ भाग्य, ज जमा य ज्ञ ज्योत्सना, त जमा य त्य सत्य, ध जमा य ध्य ध्यान, र जमा म रम धर्म, ट जमा र ट्र ट्रक। द्वित्व व्यंजन, दो समान व्यंजनों से बने संयुक्त व्यंजनों को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। व्यंजन जमा व्यंजन, द्वित्व व्यंजन शब्द, क जमा क कक टिक्की शक्की, त जमा त तत् सत्ता पत्ता, च जमा च चच सच्चा कच्चा, द जमा द दत् गद्दी रद्दी, ज जमा ज जज सज्जन लज्जा, म जमा म मम चम्मच अम्मा, ट जमा ट तट खट्टी पट्टी, ल जमा ल लल लल्लू पल्ला। आओ दोहराए। वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वर के तीन भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर प्लुत स्वर। व्यंजन तीन प्रकार के होते हैं, स्पर्श अंतस्थ व्यंजन ऊष्म व्यंजन।